ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम अपने इस क्रम में आज एक यमुना और चंबल के जंगल में एक बहुत पुराना दिव्य शिव मंदिर है और वहाँ पर एक साधु महात्मा रहते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं, साधु महात्मा से, और देखते हैं प्रसाद रूप में क्या ग्रहण करने को मिलता है। तो जो भी मिलेगा स्वीकार होगा। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखिए दूध महाराज जी ने रखा अभी कुत्तों को पिलाने के लिए। और ये देखिए यमुना और चंबल का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। ये हैं यमुना जी, ये हैं यमुना जी, ये आ रही हैं। और ये इधर जो मिलन हो रहा है, ये सामने चंबल में, चंबल भी दिखाते हैं। ये चंबल यहाँ अगर बताते हैं, अगर ड्रोन से तस्वीर ली जाए, यहाँ पांच नदियों का संगम है और ड्रोन से अगर तस्वीर ली जाए तो यहाँ ओम का आकार बनता है, नदियों द्वारा ओम का आकार। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर शंभू। प्रभु, आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्री श्री 1008 चंबलगिरी बहन। चंबलगिरी महंत। अच्छा, चंबल नदी के किनारे रहते हैं इसलिए। चंबलगिरी, वो बचपन में हम अपने चंबल में डूब गए थे, 1 घंटा बाद मिले, अच्छा, इसीलिए चंबलगिरी ही नाम रखा। चंबल में डूब गए थे आप बचपन में, हाँ बचपन में। तो नहाने गए थे चंबल में हाँ क्या? अच्छा, तो 1 घंटे बाद निकले थे। 1 घंटे बाद निकले, तो प्रभु 1 घंटे तक फिर आप जीवित बने रहे पानी के अंदर? जीवित कहाँ, मर गए, पता नहीं कैसे निकले, पर पानी अच्छा, आनी निकाला गया पेट से। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आप डूबे थे? तो उम्र ऐसी होगी 4 साल 5। अच्छा जी, हाँ तो 4-5 साल के तो आप किसी के साथ गए होंगे, अकेले तो जा नहीं हाँ सकते। माता जी के साथ, माता जी कपड़े धोती रही तब ओ तक हम सरक गए पीछे से। ये गांव वालों ने ढूंढा, अच्छा, मनिया सिंह आते, मनिया सिंह ले आए नीचे से पकड़ के। हाँ गांव कौन सा है महाराज आपका? हमारा गांव पथर्रा गांव है, वो जिला इटावाई नाम इटावाई से, जिले के हैं। अच्छा मतलब अच्छा ऊपर। अच्छा पथर्रा के हैं। पथर्रा के है सेंगरठा। अच्छा ऊपर ही तो अच्छा, मन कहा हाँ, हरी गद्दी सेंगरों की, सेंगरों की भरी गद्दी है। अच्छा, तो यहाँ ये संत जीवन में फिर आप कब से आ गए? संत जीवन तभी से आ गए जब वो सब लोगों ने कहा ये तो मर गया है, इसको फेंको। तो माता जी बहुत रोई, उन्होंने कहा भोले बाबा का स्थान था थोड़ी दूर कोलेश्वर, जी कि कोलेश्वर महाराज को हम तो सौंप रहे हैं, अच्छा अब जी जिंदा करे या मुर्दा करे कुछ भी इन्हीं करे। को सौंप दिया हमने। अच्छा तो अच्छा वहां पर जैसे ही रखा तो वहां से ऐसे तुम्हारे जैसे पुरुष नीचे आए, नदी धस के घटना पड़ता है, जी घटना धस के आए और बोले इसका पानी निकालो पे, तब पता चलेगा अच्छा जिंदा है या मरा। हाँ तो मटका एक भरो कलसा, हाँ कलसा चलते थे पहले पानी नदी से ढोते थे, नल कम थे, हैंडपंप हाँ कम थे। तो वो कलसा भर के रखा, जैसे पानी निकला भर 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 ककड़ी खा के गए, वो निकली एच भाई, अरे जिंदा है जिंदा है। तो भोलेनाथ को ये अर्पित कर दिए थे माँ। माँ अच्छा। बचपन से ही सिखाती रही, स्कूल भी जाते रहे, लेकिन वो जो बोलती रही कि भोले बाबा की सेवा करना, तुम अच्छा शादी मत करना, हाँ मतलब ये भोले जीवन बाबा तुम्हारा के भोले बाबा बनते ने, रहना। हाँ ये जीवन हाँ तो भोले वो बाबा ने दिया। हमारे भाव बना रहा अच्छा अच्छा बचपन, जहाँ रामायण होती थी वही हम जाते थे, अपने अच्छा अच्छा रामायण सुनते थे। कई हाँ बार रामायण सुन चुके हैं, अच्छा कई अच्छा बार भागवत, हम यहाँ पर्सनल 14 भागवत करवाए चुके 14 भागवत जब करा से चुके आए। हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा
तो यहाँ यहाँ मंदिर पे कब से आ गए महाराज? मंदिर पे ऐसे आ गए 2003 में। अच्छा 2003 में आ गए थे। गुरु जी थे तब। अच्छा अच्छा गुरु जी के साथ। गुरु जी 2009 में खत्म हो गए। फिर हम पे बाहर आ गए मंदिर देखते है पूजा पाठ जैसी इनकी बनती है, इनकी पूरी पूजा कहाँ कर लेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। रहते हैं उनकी शरण में, उनकी शरण में। जो कुछ हमें दे आगे को बढ़ाए या पीछे को बढ़ाए, बस कर्म अपने करते रहते हैं। झूठ किसी से बोलते नहीं, चोरी करते नहीं। हाँ, नारी सम जानो पर नारी धन पराओ विशेष विश बारी। नारी को अपने ही बहन है, कोई चाची है तो कोई बुआ है, कोई भाभी है, सबको समझते हैं, एक समान सबको समझते हैं, गैर नहीं समझते है। तभी उनकी चरणों में पड़े है। बिल्कुल। और भोलेनाथ हमारे प्रगट जब से हुए, जब यहाँ महाभारत कालीन में अर्जुन और भीम नकुल सहदेव पांचों पांडव आए यहाँ अज्ञातवास में, तो उन्होंने अखंड तपस्या की यहाँ पर। हाँ, तो अखंड तपस्या की, उनके साथ में तो भगवान जी थे बंसी वाले, उन्होंने वो ही मंत्र बताए जो तुरंत चले यहाँ में भोलेनाथ। साक्षात भारेश्वर महादेव प्रगट हो गए यहाँ। तो साक्षात भारेश्वर महादेव प्रगट हुए तो उनको सब क्रियाएं बता दी, इससे तुम सफल हो गए, जाओ यहाँ यहाँ जाओ, वही तुम्हारा कार्य पूरा होगा, फिर राज्य कर। ये तो ये महाभारत काल के ये भगवान शिव। इंजीनियर लोग पत्थर ले गए, हम तो झूठी मानते, लेकिन इंजीनियर लोगों ने भी बताया कि ये पत्थर 5000 वर्ष पुराना हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये और हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं बहुत पुराना है, और ये किला बाद में बना है, पहले मंदिर है। अच्छा किला ये बाद में बना है। किला बाद में बना है। किला बाद में बना, अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। हाँ, अंग्रेजों ने उसी तरफ से टैंक लगा के बारूद वहीं से उड़ा दिया था। तो हमारे जो राजा साहब थे, राजा रूप सिंह थे, वो अंग्रेजों से हमेशा ही क्रांतिकारी सेना लेके घूमते रहते। अंग्रेजों के खिलाफ रहे हर दम हमेशा, और उन्हें मिले ही नहीं, चले ही गए शिवपुरी की डांग में। अच्छा। हाँ, रूप सिंह का पता ही नहीं चला, परिवार सहित चले गए थे। परिवार सहित जब ये किला तोप लगा के उड़ाया गया था, उससे पहले ही मारा निकल गए थे, पहले ही निकल गए थे। क्योंकि और यहाँ से तुलसीदास जी भी गुजरी। अच्छा। हाँ, यहाँ से तुलसीदास जी गुजरी उसी समय जब किला खाली खंजर पड़ा था। अच्छा अच्छा। तो तुलसीदास जी ने पुकार लगाई, चदरिया पे बैठे चले जा रहे, कोई हो तो जल पिलाओ। अच्छा। तो यहाँ तो कोई था नहीं, लेकिन मंजूमल और मुकुंदमल पचनदा जो बोलते हैं, पांच नदियों पे वहां पर बैठे थे, अपनी तपस्या अच्छा कर रहे थे। तो मंजूमल ने सुना चेला बाहर बैठा था, वो भीतर आश्रम के, तो मंजूमल ने कही आके गुरुजी से, गुरुजी कोई जल में तो जा रहा है लेकिन पानी मांग रहा है, पानी पीने के लिए, कोई हो तो हमें प्यास की त्रास मिटाए दे। उसी वक्त मंजूमल और मुकुंदमल ने कहा कि तुम जाओ जी, ले जाओ खड़ाओ और कमंडल चल पिला के आओ। अच्छा। जब तक धार न टूटे, जब तक भी मना ही न करे, तब तक डालते ही रहे ना तुम। अच्छा। हाँ। गए खटपट खटपट, वही खड़ाऊ पहन के पहुंचे पास में। मैंने की कमंडल तो छोटा है, हमारी प्यास मिट जाएगी। मैंने तुम जितना पियो तब तक धार नहीं टूटेगी, पहले पी के तो देखो। जो अनुमान ऐसी घंटन के हिसाब से लगे ही रहे। अरे, और पानी खत्म नहीं हुआ कमंडल का? खत्म नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी पैरन को दौड़े उसकी, हमारे पैर मत पकड़ो, हम तो चेला है, गुरु अंदर की कृपा है, गुरु जी अंदर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से हमें मित्रता करवाओ, अपने मिला सकती हूँ।
क्यों नहीं मिला सकती है, चलिए भाई साहब। गए आश्रम के बाहर, खड़ा कर दिया तुलसीदास को, देखो अभी यही खड़े रहो, हम पूछ के आते हैं, अगर वो तुमसे मिलेंगे तुमको वैसे ही बताएंगे आके। तो गए मंजूमल, गए और पूछी गुरु जी से, कहा कि वो जो आए है तुलसीदास जी वो आपसे मिलने चाह रहे हैं। नहीं मिलने चाह रहे हैं, मिलने दो, जाओ उनको आज्ञा दे। लेकिन उन्हें तिजारी आती है, ऐसी 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 कपट। तिजारी मतलब बुखार? हाँ बुखार एक। अच्छा, पहली। अच्छा अच्छा, पहली कम से कम 50 साल पहले। अच्छा अच्छा, तिजारी आती थी आदमी ऐसे ऐसे हिलता रहता था। अच्छा, अब वो गुरु जी को आती थी तो तिजारी से विनती करी गुरु जी ने कि तिजारी महारानी 10 मिनट के लिए हट जाओ, ये तुलसीदास जी परीक्षा लेने को आए। अच्छा, कि हमारे हम समान और ही कोई है भक्त, तो इनको हमें दिखाए देने दे, तुम हट जाओ थोड़ी देर के लिए, तब तक वे गुरु जी को तुलसीदास जी को चेला लेके चले ही आ रहे थे। तो उन्होंने चदरिया उतारी उन्हीं के सामने, चदरिया उतार के वहां पिलुआ का पेड़ था। अच्छा, पिलुआ के पेड़ पे रख दी। चदरिया व चदरिया ऐसी ऐसी हेल है, ऐसी अपने आप अपने आप। तब तुलसीदास जी उसको देखे, राम जोहार तो भूल गए, सीता राम करवो तो भूल गए। जब कुल देर हो गई तब बोले मुकुंद मार, अरे कुछ तो बोलो तुलसी, क्या बात है। सीता राम नमो नारायण। तब बोले नहीं, बात तो ये है कि ये चदरिया तुमने रख दी ठीक है, इसको कोई हिला भी नहीं रहा है, वो फिर भी हिल रही है। ये मत पूछो क्यों तुम्हें इससे क्या लेना, अरे इससे ही तो लेना देना है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? बीमारी है, इंतजारी महारानी है, हमने जो कही जी दूर से मिलने आए, तुलसीदास जी ने रामायण की रचयिता है, शायद देखा ना है कोई भक्त और तो नहीं है। हाँ, इसलिए अलग हट गई वे, अब तुम बातचीत करोगे तब तक वो अलग रहेगी, तब बातचीत कर को लोगे अपने आ जाएगी। मान गए, चरण से गिर गए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने हमसे भी बढ़ के हो तो वहाँ काली माई की एक स्थापना करवाई तुलसीदास जी ने, पसंदा उस तरफ बाबा साहब। अच्छा, वहाँ बाबा साहब रहते, राजा के साहब आते, बाबा साहब के नाम से आश्रम है वो। हाँ, साहब आते, उन्होंने शादी आदि नहीं की थी, बस अखंड तपस्या ही की। अच्छा, इसीलिए अभी भी वहाँ बाबा साहब की जय बोलती है। हाँ, ये है, ये चंबल है, इस तरफ से यमुना आई है, यमुना और चंबल, पांच नदियों का संगम है यहाँ पर। वहाँ पे पांच नदियों ये दोनों का ही संगम हो गए, वहाँ तीन मिल गई, टोटल पांच। तो ये शिवलिंग उसी समय की हैं, ये नंदी है। भोलेनाथ ने बोल दिया था जो अच्छे भाव से हमारे दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा। अच्छा अच्छा, जो सावन में ताजी बेलपत्री चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा। अच्छा, हर हर शंभू, महादेव शंभु, सभी बात पूरे लपेटे जटाजू तो खामे था तूरे, और चढ़े सी सिगंगा भुजंगा, बिराजे रहे देव नंगा, सभी काम साजी, केला से रेड़ा शिव चंद्र भाले, और गले में पड़े नांग भूषण निराले, हरेन्द्र माथो मुक्टो जलहरी, कारण संभव दुख हारी, और बैराग योगी सिसूर पाणी, और सदा समाज निजबोध पानी, उमा निवासा त्रिप्रांत कारी, और शंभु बने मुझे कौन तारी, अपार संसार समुद्र मध्य, समझ तो मैं शरणम के वस्ते, गुरु कृपालो कृपया तबही, विश्वेश पदाम्बो दीर्घ नौका, शिव शिव श्वेतवा, हर हर हरेत्वा, भाव भाव भवेत्वा, मिरण मिणेन मिणेत्वा, गंगे हर नर्मदे हर जटा संकरे हर, ओम नमः पार्वती पतार हर महादेव, नर्मदे हर। बस इन्हें याद कर रहो, रोग दुख कष्ट वह सब दूर है। हाँ, गलत कामनाओं से दूर रहे, बस भोलेनाथ को जपत रहो। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर के, और बहुत कुछ लगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर हर शंभु, हर हर शंभु, जय शंभु, जय शंभु। प्रसाद में जय हो प्रभु। सही तो बोले, कोई गलत तो नहीं। चली गई बिलपत्ती द्वारा चढ़ाई तक चली गई। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह है महाराज जी के रहने का स्थान, जहाँ अभी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है अभी, फिटिंग विटिंग का। वैसे महाराज जी अपना यहीं रहते हैं, बनाते खाते हैं, और इस समय अभी चिड़ियों का भोजन चल रहा है। देखिए ये महाराज जी का भोजन व्यवस्था सब यहीं पर। और जो आ जाते हैं, पहले तो यहाँ कोई रुकता नहीं है, अगर कोई आ भी गया रात में तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था महाराज जी करवा देते हैं। और ये इधर ये देखिए भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।